फ्रेंड्स, कृष्णा आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक के अन्य क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम एक यूपीपीसीएस से एग्ज़ाम को लेकर एक सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर के यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर कैसे लिखेंगे। ध्यान ही रखना है कि जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो आंसर राइटिंग होता है, और आंसर राइटिंग के माध्यम से ही हम मार्क्स बेहतर कर पाते हैं। और इसलिए कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसका बताऊंगा कि आप कैसे उसका आंसर लिख सकते हैं, राइट। और उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर के आंसर क्वेश्चन को कैसे आंसर लिखेंगे और कैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। ऐसे ही आपको पता होगा कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर सिविल सेवा एग्ज़ाम में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। अगर स्टेट पीसीएस की बात आप करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंतर्गत चाहे बिहार की आप बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, अब हरियाणा में भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, राइट। तो आप ये सीख सकते हैं और हिंदी माध्यम में भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के स्कोर को मैंने प्रयास किया है कि आप पे इंग्लिश माध्यम से किसी प्रकार कमज़ोर नहीं रहें। हालांकि मैं दोनों माध्यम में ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ताकि इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी फ़ायदे उठा सकें और हिंदी के लोग भी उठा सकें, राइट। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है और ये फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं कि जो प्रथम पत्र है फर्स्ट पेपर, इससे हम प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रश्न ले लें उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन ने बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मानव आनुवंशिक के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। मानव आनुवंशिक के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। राइट, ये फर्स्ट पेपर में ह्यूमन जेनेटिक्स से के जो सेक्शन है उससे प्रश्न पूछा गया है। और आपको इस बात की जानकारी है भी कि जब कभी भी हम फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करेंगे तो उसमें बेहतर मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसका नेचर ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हमें मतलब बात करना है कि ह्यूमन जेनेटिक्स जो है उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी व्याख्या आपको करनी है। तो सबसे पहले जब आप अपने आंसर को लिखें तो एक बार डिफाइन करने का प्रयास भी करें कि मानव आनुवंशिकी क्या है, राइट, और तब इसके एप्लीकेशन को लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न जो आपको आंसर करनी है इसकी, ये 10 मार्क्स के लिए है। 10 मार्क्स के जो प्रश्न हैं उसमें समस्या ये है कि हम इस प्रश्न का आंसर 150 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर क्या होता है कि आपके अगले प्रश्न के आंसर लिखने के लिए समय का अभाव हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट किसी भी आंसर राइटिंग के अंतर्गत
बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें और कम शब्दों में आप अपनी जो आंसर है उसको कैसे प्रेजेंट करें। तो इन जनरल आप देखिएगा कि ह्यूमन जेनेटिक्स का जो एप्लीकेशन है ये बहुत व्यापक है, जिसको 150 शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के दृष्टिकोण से इसको लिखेंगे। इसका मतलब है कि आप पहले उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि जो सिलेबस में आपका मेंशन है उन चीज़ों को पहले हाईलाइट करना। तो पहला जो प्रश्न है आप यहाँ से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन अपना, एक तरह से इसका जवाब दे करके, हालांकि आपसे पूछा नहीं है कि ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों का आंसर जब हम करने जाते हैं तो हमारा अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले जो पूछा गया है उसको एक्सप्लेन कर दें 2-3 लाइन में, ताकि एग्जामिनर इस बात से अवगत हो जाए कि हम इस विषय वस्तु को बहुत अच्छा से जान रहे हैं, राइट। तो मानव अनुवंशिकी को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मानव अनुवंशिकी अनुवंशिकी विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जो मानव के वंशागत लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन करता है। ध्यान ये रखना है कि ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विभिन्नता, दो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन के एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। इसलिए जब कभी भी आप मानव आनुवंशिकी की व्याख्या करने चाहें तो इन दो टर्म के संदर्भ में उसकी एक सिंपल परिभाषा आप दे सकते हैं, फंक्शनल डेफिनेशन दे सकते हैं कि मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत मानव की वंशागत लक्षणों की वंशागति और उसकी विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, या जीन जो है एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन की जो वंशागति होती है और जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, वह जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों पर निर्भर करता है। तो कैसे जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों के इंटरेक्शन से जीन की अभिव्यक्ति होती है और उससे वेरिएशन भी डिटरमाइन होता है। तो कुल मिला के हम मानव आनुवंशिकी में मानव की वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका मेजर पार्ट है कि इसकी अनुप्रयोगों की व्याख्या करें, यानी आप एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है कि इसका एप्लीकेशन जो है मानव में किस प्रकार से हो रहा है। इस एप्लीकेशन के व्याख्या के संदर्भ में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रूप से ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन 10 मार्कर है, जीएस में भी आप इसको पढ़ते हैं, तो आपका ध्यान केंद्रित पहले होना चाहिए कि हम इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन को लिखें अपने सिलेबस को देखते हुए, अपने पाठ्यक्रम को देखते हुए। तो आप इसका बस एक लाइन में आप इंट्रोडक्शन, जो मानव अनुवंशिकी के बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके अंतर्गत एक लाइन में आप इंट्रोडक्शन के साथ इसको एसोसिएट कर लीजिएगा कि मानव अनुवंशिकी का वर्तमान में मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यापक उपयोग हो रहा है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। और निम्नलिखित जो प्रमुख हैं तो उसके अंतर्गत आप कुछ चीज़ों को तो एकदम से आपको लिखना ही लिखना है, जैसे इसका एप्लीकेशन मानव रोग के संदर्भ में है ना, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ह्यूमन जो डिजीज़ है इसके संदर्भ में
ह्यूमन जेनेटिक्स के जो ज्ञान हैं, जो मेथड हैं, जो डेटा हैं, जो थ्योरी हैं, इनका उपयोग हम करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि मानव का जो रोग है, इस रोग में हमें दोनों तरह के रोग की बात कर सकते हैं। एक तो आनुवंशिक रोग, जिसमें इसका उपयोग तो होगा ही, स्वाभाविक है कि आप आनुवंशिक रोग के संदर्भ में मानव आनुवंशिकी के ज्ञान का उपयोग करेंगे, लेकिन गैर आनुवंशिक रोग में भी इसका उपयोग होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और गैर आनुवंशिक रोग को आप दो तरह से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, एक संक्रामक और दूसरा गैर संक्रामक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। तो इसमें इसका क्या क्या उपयोग होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो मानव आनुवंशिकी का जो ज्ञान है, जो मेथड है, ये इनके जो दोनों ही क्षेत्र की मैं बात करता हूँ कि एक तो रोग की जांच के संदर्भ में, है ना, ये ध्यान में रखना, चाहे वह आनुवंशिक रोग हो या गैर आनुवंशिक रोग हो, दोनों ही की जांच के संदर्भ में ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत कुछ टेक्निक डेवलप किए गए हैं जिसका उपयोग किया जाता है। अब रोग की जांच के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो आनुवंशिक रोग, ठीक है, आनुवंशिक रोग की जांच करने में ये कैसे उपयोगी है, तो आनुवंशिक रोग जो हम बात करते हैं तो इसमें सिंगल जीन डिफेक्टिव डिजीज होती है और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर होगा, यानी बहुजीनी बहुकारकीय जीन से जो प्रभावित रोग होगा उसका भी होगा। फिर क्रोमोसोम गुणसूत्रीय जो विपथ गमन या गुणसूत्रीय डिसऑर्डर जो होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है, उसकी हम बात करते हैं कि उसकी भी जांच हम इसके माध्यम से करते हैं। और सोमैटिक सेल में जो ईरर है, उस सोमैटिक सेल के ईरर की जांच भी हम मानव आनुवंशिकी के जो मेथड है, जो ज्ञान है, उसके माध्यम से करते हैं। जैसे एक सिंपल बात आपको मैं बताता हूँ कि मनुष्य में अगर आनुवंशिक रोग जो है, आनुवंशिक डिसऑर्डर जो है, किसी सिंगल जीन में डिफेक्ट होने के कारण होता है, तो उसका एनालिसिस जो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के माध्यम से किया जाता है। और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के माध्यम से हम अगर उसका एनालिसिस करें तो उसके मोड ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अगली पीढ़ी में उसकी किस प्रकार से वंशागति होती है, इसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें जो मल्टीफैक्टोरियल जो डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम डीएनए स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग जब हम करेंगे, जेनेटिक स्क्रीनिंग जब हम करेंगे, तो उस जेनेटिक स्क्रीनिंग से उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, गुणसूत्र में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैरियोटाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रीनेटल जो डायग्नोसिस है, जेनेटिक डिजीज़ का प्रीनेटल डायग्नोसिस है, उसके लिए एमिनियोसिंथेसिस मेथड वगैरह का उपयोग करते हैं। तो एक तो ध्यान ये रखना है कि आनुवंशिक रोगों की जांच, इसके डायग्नोसिस, इसके निदान, इसके जांच में हम मानव आनुवंशिकी के ज्ञान का उपयोग करते हैं, इसके सिद्धांत का उपयोग करते हैं, इसके मेथड का उपयोग करते हैं, इसके टेक्निक का उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर गैर आनुवंशिक रोग के बारे में बात करें तो खास करके संक्रामक रोग के बारे में बात करें,
तो संक्रामक रोग की जांच के लिए, संक्रामक रोग की जांच के लिए हमने क्या किया है, तो हमने डीएनए प्रोब का डेवलपमेंट किया है। ये ध्यान में रखिएगा, आप अंग्रेजी का टर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये संक्रामक रोग की जांच के लिए डीएनए प्रोब का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से हम संक्रामक रोगों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बहुत सिंपल और बहुत कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल अगर हम आपको दें कि कोविड के टेस्ट के लिए है ना, हमने क्या डेवलप किया है, आरटीपीसीआर। सो आरटीपीसीआर जो टेस्ट आपका है, ये ह्यूमन जेनेटिक्स के टेक्निक का उपयोग करके इसको डेवलप किया गया। कई बीमारियों की जांच के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण जो है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करते हैं। तो उसके माध्यम से हम गैर संक्रामक के संक्रामक बीमारियों की जांच तो हम कर लेते हैं, राइट। कुल मिला के जो ह्यूमन जेनेटिक्स का जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसका उपयोग हम संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए करते हैं। गैर संक्रामक बीमारी में हम कैंसर की बात करें तो कैंसर जो है ऑन्कोजीन के कारण होता है। तो कैंसर जो ऑन्कोजीन के कारण होगा, जब ऑन्कोजीन एक्टिव हो जाती है, तो उसकी जानकारी भी हम ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत जो डीएनए टेक्निक जो डेवलप किया गया है, उसका उपयोग करके हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला चीज़ जो आपको रोग के संदर्भ में ध्यान रखना है, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ है और हमें एकदम से टू द पॉइंट लिखना है और हमारे पास लिमिटेशंस है वर्ड के, तो इसलिए हम एक दो एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरा अगर रोग का प्रतिरक्षण है ना, यानी रोग से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना हो, तो इसमें भी हमें ह्यूमन जेनेटिक्स से बड़े पैमाने पर सहायता मिली है और ह्यूमन जेनेटिक्स के ज्ञान का उपयोग हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है, कई वैक्सीन जैसे कोविड वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है, ये ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत डेवलप किए गए टेक्निक के माध्यम से हुआ। इसके अलावा एंटी मलेरिया, एंटी हेपेटाइटिस बी, एंटी रेबीज, इसके जो सिंथेटिक वैक्सीन डेवलप किए गए हैं, ये ह्यूमन जेनेटिक्स के नॉलेज, उसके डेटा, उसके टेक्निक, उसके थ्योरीज के आधार पर हैं। तो जनसंख्या को रोगों से बचाने के लिए, रोगों से प्रतिरक्षण करने के लिए वैक्सीन का निर्माण भी हम ह्यूमन जेनेटिक्स के जो मेथड है, उसका उपयोग करके हमने किया है और इसलिए हम यहाँ भी इसका एप्लीकेशन करते हैं। तीसरा चीज़ कि रोग का इलाज, राइट, ये बात ध्यान में रखिए कि रोग का इलाज। तो रोग के जो इलाज है, इसके संदर्भ में दो चीज़ ध्यान में रखना है कि एक तो आनुवंशिक रोग का इलाज, आनुवंशिक रोग का इलाज, और दूसरा गैर आनुवंशिक रोग का इलाज। तो आनुवंशिक रोग के इलाज के लिए हमने जीन चिकित्सा का विकास किया है, जीन थेरेपी जिसको बोलते हैं, और
इस जीन थेरेपी के अंतर्गत दो तरह का जीन थेरेपी डेवलप किया गया है, जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। तो अगर सिंगल जीन डिफेक्ट है तो उस सिंगल जीन के डिफेक्टिव जो जीन है उसकी पहचान, उसको टारगेट करना और उसकी जगह पर हेल्दी जीन प्रतिस्थापित करने की टेक्निक जो है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत डेवलप कर लिया गया है, जिसके माध्यम से हम उसका इलाज करते हैं। गैर अनुवांशिक जो रोग है इसके लिए जो दवा है उसके विकास में ह्यूमन जेनेटिक्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हम कई हार्मोन्स का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे इंसुलिन, ब्लड शुगर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा, तो कृत्रिम दृष्टिकोण से, कृत्रिम आधार पर हम इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं, जिसका उपयोग जो है हम दवा के रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसका उत्पादन जो है मानव अनुवंशिकी के ज्ञान और मेथड का उपयोग कर किया जाता है, उसका भी उपयोग कई प्रकार के बीमारियों के इलाज में किया जा रहा, राइट। इसके अलावा फार्माकोजेनेटिक्स के क्षेत्र में जो दवाओं का उत्पादन है उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और अदर जो जेनेटिक्स के अंतर्गत जो रिसर्च किए गए हैं उसका उपयोग करके हम बेहतर से बेहतर दवाओं का निर्माण कर रहे हैं, जो दवाएं जो हैं रोग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो एक तो ये आपका ध्यान रखना है कि रोग के संदर्भ में, और एक और चीज़ मैं आपको बात कर रहा हूँ, रोग का प्रबंधन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रोग का प्रबंधन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कई जेनेटिक डिजीज का कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इलाज नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम आनुवंशिकी के ज्ञान का उपयोग कर आनुवंशिक परामर्श एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके सिलेबस के अंतर्गत। तो आनुवंशिक परामर्श के अंतर्गत जब आनुवंशिक डेटा यानी हम रोग की डायग्नोसिस कर लेते हैं तो चूँकि उसके मोड ऑफ इनहेरिटेंस की जानकारी भी मिलती है और मोड ऑफ इनहेरिटेंस की जानकारी के आधार पर आनुवंशिक की विशेषज्ञ जो हैं लोगों को सलाह देते हैं, प्रजनन के संदर्भ में, लोगों को सलाह देते हैं विवाह करने के संदर्भ में, लोगों को सलाह देते हैं कि पार्टिकुलर टाइप का अगर रोग है तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, उसका एकदम पूरी तरह इलाज नहीं है तो किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, उसके क्या क्या हमारे पास दवा उपलब्ध है। तो एक तरह से हम रोग का प्रबंधन भी इसके माध्यम से करते हैं। तो पहला जो मेजर जो एप्लीकेशन है इसको आप इस सेक्शन के अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आनुवंशिकी विज्ञान के ज्ञान का उपयोग, तो आनुवंशिकी विज्ञान के ज्ञान का उपयोग जो है फोरेंसिक स्क्रीनिंग में भी हम कर रहे हैं, फॉरेंसिक जांच में हम कर रहे हैं, इवन कि हम लोग एक एंथ्रोपोलॉजी का एक ब्रांच है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, उसका अध्ययन करते हैं। और उस फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं कि व्यक्तिगत पहचान है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। अब ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, अपराधी का भी होगा और भोगी का भी होगा, विक्टिम का भी होगा। जैसे आप सोचो कि कहीं क्राइम हुआ है, ठीक है, तो क्रिमिनल कोई जेनेटिक डेटा छोड़ जाता है, क्रिमिनल का वहाँ बाल मिल सकता है,
ठीक है, उसके त्वचा का कोई पार्ट मिल सकता है, तो उसी उस क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्निक का इस्तेमाल करके, या जो विक्टिम है उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया है, उसको मार करके ज़मीन में दबा दिया गया है और उसका केवल कंकाल मिल रहा है, तो उसके आधार पर भी उसका हम पहचान सुनिश्चित करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक का उपयोग करके। या कहीं रेप हो गया है, तो किसी महिला के साथ रेप हुआ है और रेप करने वाला व्यक्ति इनकार कर रहा, तो फिर उसकी भी हम इसके माध्यम से जांच करके और हम पता कर सकते हैं कि आखिर अपराधी कौन है। तो एक तो इसका उपयोग हम अपराधी एवं भोगी के पहचान में करते हैं, क्लियर। दूसरा इसका उपयोग हम पितृत्व एवं मातृत्व से संबंधित विवाद के समाधान में करते हैं, विवाद के समाधान में। यानी कि अगर पैटर्निटी और मैटर्निटी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट की जांच के लिए, उसके समाधान के लिए हम मानव आनुवंशिकी के ज्ञान का उपयोग करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि उसके लिए हम मानव आनुवंशिकी के ज्ञान का व्यापक पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नया क्षेत्र है मानव आनुवंशिकी का, ये है सुजनिकी। देखो, सुजनिकी यूजेनिक्स जो है, यूजेनिक्स एक अप्रोच है जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था कि चूंकि हमें आनुवंशिक बीमारियों का इलाज करने में अभी भी बहुत कम सक्षम हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें सोसाइटी में कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो आनुवंशिक दृष्टिकोण से स्वस्थ हैं, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और जो लोग आनुवंशिक दृष्टिकोण से अस्वस्थ हैं वो बच्चे पैदा नहीं करें। तो फिर इसके माध्यम से हम जनसंख्या में स्वस्थ जीन की आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, और स्वस्थ जीन की आवृत्ति को बढ़ा करके हम जनसंख्या को आनुवंशिक दृष्टिकोण से स्वस्थ कर सकते हैं। हालांकि यह नैतिक रूप से बहुत उपयुक्त कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए इसमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ सोसाइटी में, लेकिन इसमें भी आनुवंशिकी के ज्ञान, मानव आनुवंशिकी के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि मानव प्रजनन जीव विज्ञान के क्षेत्र में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के क्षेत्र में, अब देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि हमने कहा कि आनुवंशिकी का जो मेथड है वह जन्म के पूर्व भी एनालिसिस कर सकता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा कहीं आनुवंशिक के बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है। उसके लिए हम प्रीनेटल डायग्नोसिस डेवलप किए हैं जिसके माध्यम से हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कहीं वह आनुवंशिक रोगों से ग्रसित तो नहीं है। जैसे हमने कैरियोटाइपिंग की बात की, एमिनियोसिंथेसिस मेथड की बात की, तो यहाँ पर इसका उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा मानव आनुवंशिकी के ज्ञान का उपयोग जो है मानव उद्विकास की प्रक्रिया को समझने में भी किया जा रहा कि मानव किस प्रकार से उद्विकसित हुआ है, और इसके साथ साथ मानव आनुवंशिकी का जो ज्ञान है इस ज्ञान का उपयोग करके हमें ट्रांसजेनिक फसल और पशु दोनों का उत्पादन कर रहे हैं और उसके उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है, स्टेम सेल रिसर्च, आप सभी जानते होंगे। और स्टेम सेल रिसर्च के अंतर्गत जो चिकित्सा के दृष्टिकोण से स्टेम सेल का रिसर्च किया जा रहा,
तो वो भविष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब तो हम गर्भनाल को सुरक्षित रख रहे हैं ताकि भविष्य में स्टेम सेल विकसित करके उससे और हम ऑर्गन का निर्माण कर सकें जहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम आसानी पूर्वक कर सकें। इसके अलावा इम्यूनोजेनेटिक्स के क्षेत्र में जो हमारी रोग प्रतिरक्षा जो क्षमता है इसका भी अध्ययन जो है आनुवंशिकी के ज्ञान का उपयोग कर हम कर रहे हैं और उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मानव आनुवंशिकी के ज्ञान का जो उपयोग है वो विभिन्न क्षेत्रों में है। सामाजिक क्षेत्र में भी आप देखिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट आया उसने कहा कि दुनिया में जो मनुष्य हैं उनमें 99.9% जो जीन है सिमिलर है। तो प्रजातिवाद की अवधारणा का वैज्ञानिक रूप से ये मानव आनुवंशिकी ने खंडन किया है, तो इसका सामाजिक दृष्टिकोण से भी उपयोग है। और इस तरह से आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा व्यापक उपयोग है, यानी जीवन के विविध क्षेत्र हम करें, एक तो डायरेक्टली मानव के संदर्भ में और इनडायरेक्टली जो हम जुड़े हुए हैं बहुत तरह के हम खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, कृषि के क्षेत्र में हम बात करें या उद्योग के क्षेत्र में हम बात करें, तो वहाँ पर भी मानव आनुवंशिकी का जो ज्ञान है उस ज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए मानव आनुवंशिकी का ज्ञान वर्तमान जो हमारा समाज है, समकालीन समाज जो है, इसके लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। और इसलिए मानव आनुवंशिकी निरंतर इसकी प्रासंगिकता मानव समाज में बढ़ रही है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं।